Hey guys, good evening to all of you. So friends, we are live now. जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए लाइव क्लास होती है. और कल मैं लाइव नहीं आ पाया था, इसलिए आज मैं लाइव हूँ भैया. आप लोग सभी को पता होगा कि कल रिकॉर्डेड क्लास हो गई थी, कहीं जाना था, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया था. ठीक है, तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है भाई, शेड्यूल ख़राब हो जाता है. तो सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास लाइव स्टार्ट हो चुका है. सभी लोग जो भी डाउट्स हैं आपके, जो भी कुछ पूछना है एग्ज़ाम डेट को लेकर, फॉर्म को लेकर, एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर, जो कुछ भी आपका सवाल है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे सीधा बात कर सकते हो. मुझसे इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी मैं दिखा रहा हूँ आपको. आप सभी लोग इंस्टाग्राम यूज़ ही करते होंगे. सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिए और मैसेज कर दीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं, और फॉलो भी कर लीजिए आगे की सारी अपडेट्स के लिए. ठीक है, तो भैया जिनको भी कोई कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं. और बीएड प्रवेश परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हो, सरकारी सीट चाहते हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप प्राइवेट में एडमिशन ले सको, तो भैया आपको 175 रुपये जरूर अपने पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना चाहिए. 175 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत ही नाम मात्र रखा है ताकि सभी छात्र खरीद सके. कोई ये ना कहे कि सर महंगा है मेरे लिए, क्योंकि इससे कम कीमत पर आपको कुछ नहीं मिलेगा. किताब भी 300-400 रुपये की मिलती है. इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा. यानी ओवरऑल इसको लेने के बाद में आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कीमत मात्र 175 रुपीज़ है. नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हमें बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी इस नंबर पर दी जाएगी. तो जो भी इच्छुक है गवर्नमेंट सीट के लिए या बेस्ट कॉलेज के लिए, बोलो इस नोट को जरूर पढ़िएगा. इस नंबर में मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं. चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. सभी लोग शेयर कर दीजिएगा. पहला क्वेश्चन है जीके का, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है. अच्छा प्रश्न है. क्वेश्चन नंबर वन का उत्तर बताइए. नूर शबा, समीक्षा, अजमल, महावती, आकांक्षा, नीतू, संजू, नंदिनी, सभी के उत्तर देख रहा हूँ. वन का आंसर क्या हो जाएगा प्रियांशी बताइए. रितु मौर्या, शबा वेरी गुड, संजू बहुत बढ़िया, वन का राइट आंसर. सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, लाइक करें भैया. राधे जी शेयर करें. क्वेश्चन नंबर वन का सी हो जाएगा बीहू. बीहू बिल्कुल करेक्ट है ना, बहुत बढ़िया शबा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आशमा खातून. अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो है. मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश डैश के नाम से जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर दो का उत्तर बताइए. दो नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा. चलिए गोलू भाई बहुत अच्छा, दो नंबर का जवाब. सभी लोग क्लास को शेयर एंड लाइक कर दें. क्वेश्चन नंबर दो का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार. अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीन देखें. निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने से में सक्षम है. क्वेश्चन नंबर तीन का जवाब दीजिए. तीन नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा राधे भाई बताइए. सूर्यांश वेरी गुड, मोहित किंग बहुत अच्छा, प्रियांशी वर्मा, तीन नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर तीन का सी का उत्तर हो जाएगा तिल्ली. अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चार, इसका जवाब सब लोग दीजिएगा. गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है. क्वेश्चन नंबर चार का जवाब, फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा. कुछ भी नहीं रुका है सभा जी, आपका नेटवर्क स्लो होगा. क्वेश्चन नंबर चार का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए. चार नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तांबा. अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर फाइव है. शक्ति यानी पावर की भौतिक मात्रा की विमीय सूत्र क्या है. क्वेश्चन नंबर पांच का जवाब बताइए. वंदना शुक्ला, क्वेश्चन नंबर पांच का जवाब क्या हो जाएगा. पांच नंबर का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम के पावर वन, एल के पावर टू, टी के पावर माइनस थ्री. अगला देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां स्थित है. क्वेश्चन नंबर छह का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए. अमित कुमार, मोहित भाई बहुत बढ़िया, अजमल भाई क्लास को रिफ्रेश कर लो एक बार सही चलेगा, नीतू बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आशमा. छह नंबर का उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, गोरखपुर में. अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सात है. उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश डैश सीटों का योगदान करता है. क्वेश्चन नंबर सात का सही जवाब क्या हो जाएगा. प्रीति गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर. सात नंबर का उत्तर बताएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं क्लास में. क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 80. अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आठ देखिए. माघ मेला डैश डैश के दिन शुरू होता है. क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, आठ नंबर का उत्तर बताइए.
आठ नंबर का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मकर संक्रांति। कवि संत कबीर का जन्म, और उत्तर बताइए भैया। 40 लोग क्लास में जुड़ चुके हैं, करना है क्लास में 100 लाइव वॉचिंग कंप्लीट कराना है। रवि भाई बताइए क्या हो जाएगा नंबर का जवाब, सभी लोग शेयर करें क्लास को। चलिए मानसी अग्रवाल बहुत अच्छा, समीक्षा पांडे, आकांक्षा, अनीशा, 9 नंबर का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, लखनऊ संगीत घराने की नींव उस्ताद डगडेस द्वारा रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर, भाई मेरे में तो नेटवर्क नहीं शुरू हो रहा है, मेरे में सही चला है, दूसरे डिवाइस में मैं चला रहा हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है। हो सकता है बीच में फ्लैक्चुएट होता होगा नेटवर्क, तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिफ्रेश करते रहें। रिंकू चौधरी बताइए, प्रियांशी, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पर बी का उत्तर हो जाएगा भैया, बाछू खां, बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और दूसरा रंग कौन सा है? तो बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, 11 का जवाब बताओ भाई। भाई आप सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को तो हमें भी अच्छा लगे, सभी लोग व्हाट्सएप पर शेयर कर दें 3-4 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 देखें, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? सर आपके पास, अरे ऐसा मेरे पे ब्लेम ना करो, ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, नेटवर्क है, टेक्निकल इशू हो जाता है, नेटवर्क कभी स्लो हो जाता है कभी सही हो जाता है, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दो, ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर ने राज्य कर को शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइए। तेरह नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चुंगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन सबसे पहले इसका सही जवाब देगा? 14 नंबर का उत्तर, क्या हुआ रितु मौर्या, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब बताओ। सूफिया का सबसे पहले सही जवाब आया है, समीक्षा का उत्तर आया है, राम बालक का सही जवाब आया है, आकांक्षा गुप्ता का करेक्ट है, अमित भाई बहुत बढ़िया, 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। रुद्र भाई बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ब्यूनस आयरस किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब, सोलह नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर सी का उत्तर हो जाएगा, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 ... राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए, शना आंसर करें, सरफराज, संजू, विक्की, वंदना। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। सत्रह नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काजीरंगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 18 का एक उत्तर हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? 19 का जवाब बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भुवनेश्वर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताइए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्लास को, भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है, सभी लोग सपोर्ट करें क्लास को, शेयर करें और लाइक भी कर दो, जितने लोग देख रहे हैं क्लास को उतने लाइक भी नहीं हुए, ये गलत बात है। 20 का उत्तर बताइए सभी लोग, 20 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, नागालैंड।
अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश डैश को देता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब रुचिका सिंह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रियांशी बहुत बढ़िया, शबा वेरी गुड। मानसी अग्रवाल, 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए भारत का मूल रूप संविधान डैश डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताइए। चलिए साक्षी पांडे बताइए, उत्तर करिए। सभा का नेट नहीं चल रहा है, परेशान है, गुस्सा रही है वो। 22 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? सी का उत्तर हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, बिल्कुल सही है। अगला देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में डैश डैश के साथ होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताइए, 23 का जवाब क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर ए का उत्तर हो जाएगा, वृद्धि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, डैश डैश सूची से सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर डी का उत्तर हो जाएगा, समवर्ती। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? 25 का जवाब, चलिए ईशा सिंह बहुत अच्छा, आराध्या जवाब दीजिए 25 का। पच्चीस नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समानता का अधिकार। अगला है देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश 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 को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब, छब्बीस का उत्तर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, शाहजहां को। अगला है 27 नंबर, डैश 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 अंतर्भेदी अग्नि शैल का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर, सत्ताईस नंबर का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेनाइट। अगला देखें, नेक्स्ट है 28 नंबर, निम्न हिमाचल और डैश डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अट्ठाईस नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवालिक। अगला है 29 नंबर, देखिए बहुकोशिका जीव डैश डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए। सर राम बालक को ब्लॉक कर दिया जाए, वो सिर्फ सूफी सिस को परेशान करता है। काहे भैया, काहे परेशान करते हो? पढ़ाई वढ़ाई करना है तो रहिए। 29 का जवाब दीजिए भाई, देखो कोई किसी को परेशान ना करे, हंसी मजाक अपने आप में चलता है, ठीक है? आप लोग साथ में पढ़ते हो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करके अगर आप उसको बार बार आप परेशान कर रहे हो तो ठीक नहीं है, फिर ब्लॉक कर दिए जाओगे। 29 का डी का उत्तर हो जाएगा, कोशिका विभाजन। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 30 है, पुष्प में नर लैंगिक अंग है। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए, 30 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 30 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पुंकेसर। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 31 है, संपर्क बल को डैश डैश बस बल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब,
क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेशीय बल्ब कहते हैं। अगला देखिए 32 नंबर है, एबिसोल्यूट डैश डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिए आप लोग। क्लास को सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूआरएल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब, का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का उत्तर हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। अगला है 34 नंबर, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दीजिए। चौंतीस नंबर का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, तन्यता। अगला देखें नेक्स्ट है 35 नंबर, डैश डैश दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब, 35 का उत्तर क्या हो जाएगा। जो लोग नए हैं क्लास की टाइमिंग जान लो, डेली शाम 7 बजे क्लास चलती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए डेली क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मृत्यु दर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है, संचरित प्रणाली की खोज किसने की थी बताइए। 36 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन यहां पर, बहुत बढ़िया, बी हो जाएगा, विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 है, किस शहर में वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दे, 2022 का पेपर का है, ठीक है, 2022 का पेपर का क्वेश्चन उठा लिया था तो इसलिए उस हिसाब से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसी लेवल का करंट अफेयर आपको रिसेंट का देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं डेली का करंट अफेयर भेजता रहता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका सही जवाब क्या था, बी था, ठीक है, बरिंगम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है बताइए। का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। थर्टी नाइन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हां, 39 का डी का उत्तर हो जाएगा, पद्मश्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है, नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश से अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब, चालीस नंबर का जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 41 है, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे पहला ईमेल भेजने का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है बताइए। बयालीस का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ हिंदी के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, काली घटा का घमन घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। 51 का उत्तर बताइए। फिफ्टी वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला देखिए, सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। 52 का उत्तर, बावन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झूठे वायदे करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है, उम्मीद का विलोम बताइए। 53 का जवाब, बहुत बढ़िया, मनु क्लासेस, नूर शबा, प्रीति गुप्ता, नीतू, सोनम यादव, उत्तर क्या हो जाएगा 53 का,
मानसी अग्रवाल बहुत बढ़िया, आशमा खातून, सुमित्रा कुमारी गुड इवनिंग, प्रियांशी, ईशा सिंह, 53 का उत्तर क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मायूसी। अगला प्रश्न है 54 नंबर, देखिए, संगम, स्वाद, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग कौन सा है? 54 का जवाब बताइए। जिस किसी ने क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक, क्लास को लाइक कर दे, शेयर करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, सम उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए, 55 का जवाब बताइए। पचपन नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। अगला है 56 नंबर, देखिए शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? 56 नंबर का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, जन। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 है, अमृत और विष किसकी रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 57 बताइए, अमृत और विष किसकी रचना है? सर राम भैया, अरे भैया तुमको बता दिया ना, सूफिया को परेशान कर रहे हो ये कहा जा रहा है कमेंट में। चलिए 57 का जवाब दीजिए, और अब ब्लॉक ना होना हो तो दोबारा कमेंट मत करना, ठीक है, क्लास पे फोकस करो, डिस्टर्ब मत करो। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमृतलाल नागर। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 58 है, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए, बहुत ही फेमस पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यमक। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 है, चरण कमल बंदो हरी राई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब बताइए, 59 का उत्तर क्या हो जाएगा? 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कमल के फूल जैसे पैर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? 60 नंबर का उत्तर बताओ, साठ नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, देशज है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? क्वेश्चन नंबर 61 का उत्तर, का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्त्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, देखिए प्रश्न क्या है, डैश डैश डैश, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं देशों के नाम होते हैं, पर्वत के नाम होते हैं, वृक्षों के होते हैं, नक्षत्रों के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब, काजल झा बहुत बढ़िया, अजमल बहुत अच्छा, नॉलेज वेरी गुड, अमित, रूपम, सुमित्रा, शना, महावती, मोहित, उत्तर क्या हो जाएगा? रिंकू, आशमा, 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर डी का उत्तर हो जाएगा, नक्षत्रों के नाम। अगला है 63 नंबर, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63 का जवाब, का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पक्षी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निषिद्ध का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 64 का जवाब, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 64 का उत्तर क्या हो जाएगा? 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आधी रात के समय को निशीत कहते हैं। अगला देखिए 65 नंबर है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? क्वेश्चन नंबर 65 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 65 का उत्तर, जी भैया राधे पढ़ाई करिए। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपमा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक का काल पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 66 का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए सौम्या यादव, अवधेश, बहुत बढ़िया। 66 का जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से सपोर्ट मिलना चाहिए। अभी तक हमारी क्लास 100 लाइव वॉचिंग कंप्लीट नहीं कर पाया है, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं। सभी लोग शेयर करिए क्लास को भाई। 66 का उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है अजमल भाई, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। अगला देखें, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है बताइए। सत्तावन 67 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंगार जो है तत्सम नहीं है। अगला देखें 68 है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अड़सठ का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रथम देखें क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब दीजिए सभी लोग। वेरी गुड, 69 का उत्तर क्या हो जाएगा? 69 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर डी का उत्तर हो जाएगा, पहाड़ी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 है, देखिए यहां पर चिन्ह दिया गया है, विराम चिन्ह किस चिन्ह का प्रतीक है? 70 नंबर का जवाब बताओ। सत्तर नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, तुलता सूचक चिन्ह है। अगला देखें 71 है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है बताओ, घोष वर्ण कौन सा है? जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूं, धीरे पढ़ाओ रुचिका जी, चलिए धीरे पढ़ते हैं, लेकिन काफी लंबी क्लास हो जाती है ना। 71 का जवाब दीजिए। चलिए सरफराज बहुत बढ़िया, पी कुमारी बहुत अच्छा, प्रीति गुप्ता, आराध्या, 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 का क्या होगा? सी हो जाएगा, का। प्रतिमान में समास कौन सा है? 72 का जवाब दो, प्रतिमान शब्द में समास पहचानो। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अवयी भाव। अगला प्रश्न है 73 देखें, तत्सम शब्द है, 73 का जवाब। सेवेंटी थ्री का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर ए का उत्तर हो जाएगा, अमृत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? 74 का उत्तर बताइए। चलिए एक लाइक की कमी बची है 50 लाइक कंप्लीट होने में, आज का कोई एक लकी स्टूडेंट क्लास को लाइक करके 50 लाइक कंप्लीट करा दो भैया। आज देखते हैं आज का हमारा कौन लकी स्टूडेंट है, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए भैया जिसने नहीं किया है। 74 का उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पर जितने लोग डी आंसर कर रहे हैं, विराम चिन्ह बिल्कुल सही है। अगला देखिए 75 नंबर, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए। सेवेंटी फाइव का राइट आंसर, सही जवाब क्या हो जाएगा? 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भावी। अगला देखें 76 है, हास्य रस का स्थाई भाव पूछा गया है, क्या है हास्य रस का स्थाई भाव बताओ। 76 का उत्तर, छिहत्तर का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हास। अगला है क्वेश्चन नंबर 77 है, प्राक धन मुख किसका संधि विच्छेद है बताइए। 77 नंबर का जवाब, रिंकू चौधरी ने लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रांड मुख बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन है 78, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन नंबर 78 का जवाब बताओ। सेवेंटी एट का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यहां पर ला। अगला देखें 79, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, 79 का उत्तर।
कंचन करेंगे, सर आप दिख नहीं रहे हैं, सर आप बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में यह क्या पढ़ा रहे हैं? बीएड एंट्रेंस का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, जीके आता है, हिंदी आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है, वही सब तो पढ़ा रहे हैं, क्या गलत पढ़ा रहा हूँ भाई? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी का उत्तर हो जाएगा, विहित हो जाएगा। अगला देखिए 80 है, लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच में है? 80 नंबर का उत्तर बताइए। सभी लोग नोट्स को जरूर परचेज कर लो भैया, हल्के में मत लेना बीएड एंट्रेंस को, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे आपके तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, आपके घर के पास का, आपके डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और अगर आपके नंबर कम रह गए ठीक है तो भैया आप लटक जाओगे, या तो फिर आप साल बर्बाद करोगे, कहीं दूर दराज कहीं लूटने वाले कॉलेज में एडमिशन ले लोगे जहां पैसा बहुत लिया जाएगा आपसे। तो नोट्स को जरूर पढ़ लो, नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, जो नंबर मैंने दिया है अभी लास्ट में भी फिर से नंबर दिखा दूंगा। 80 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृतवाच्य। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? अध अध के नीचे रेखा है तो अध क्या है? एट्टी वन का राइट आंसर बी हो जाएगा, उपसर्ग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 82 का जवाब दो। ये अमित गाना क्यों गा रहा है भाई, दारू और पी लियोगा भैया? 82 का जवाब दो, 82 का उत्तर क्या हो जाएगा? बयासी नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नेत्र। अगला देखिए 83 नंबर, कौन सा शब्द वृद्धि सर संधि है? क्वेश्चन नंबर 83 का जवाब, 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरफराज, ईशा सिंह, आकांक्षा बहुत बढ़िया, नीतू बहुत अच्छा, अमन वेरी गुड, मनु बहुत अच्छा, नूर शबा, विक्की बहुत बढ़िया। 83 का जवाब क्या हो जाएगा? एट्टी थ्री का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर जितने लोग उत्तर कर रहे हैं डी का उत्तर हो जाएगा, महाजस्वी, बिल्कुल सही है। अगला देखें नेक्स्ट क्या है, 84 है, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या रहेगी? क्वेश्चन नंबर 84 का जवाब, चौरासी नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? 84 का एक उत्तर हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होना। अगला प्रश्न है 85, देखिए पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, ऐसा ऑप्शन चुनो जिसमें सभी शब्द पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रस्तर, पाषाण, रूपल, ये सभी आपके पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। बैरवे किस प्रकार का छंद है? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर बताइए, 86 का जवाब, आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, मात्रिक अर्ध शम छंद है। अगला और अंतिम प्रश्न है 87 नंबर, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में समास, गंगा तट में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 87 का उत्तर बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 87। जिस किसी ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 87 का भी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो भैया सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, इसके साथ साथ भैया जिनको भी नोट्स परचेज करना है। जिनको भी नोट्स परचेज करना है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है? नोट्स को जरूर लीजिए, मात्र 175 रुपीज में सब कुछ आपको मिल जाएगा, और इस नोट्स से सब कुछ आपका फंसेगा, प्रीवियस पेपर भी मिल जाएगा, नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। कीमत मात्र 175 रुपीज है, नंबर में मैसेज करके ले सकते हैं, और कुछ भी बात करना है, कुछ पूछना है तो भैया आप सब लोग इंस्टाग्राम तो चलाते हैं, आप सभी लोगों को फॉलो करते हैं, टीचर्स को भी फॉलो कर ले तो शायद भविष्य बन जाए, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आपको मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है? तो मुझे फॉलो जरूर करें, ये मेरा यूजर आईडी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को देखने के लिए, धन्यवाद।